साढ़े इतना सब परेशान है कि दो तीन बार पटक पटक हमका सब खुद ही मारे सर। बतावत अहाँ एकदम बढ़िया सिलेंडर मिल के धुआं से मुक्ति हो गई। धुआं से मुक्ति हो गई लेकिन वही जो 200-400 रहा अब 1200-1300 रुपये जब हमारे जुहा तब भराव ना कंडा ऊपर ही घेर हेर लग जाती है पास के बनवा ही 200 रुपया किलो क्या टमाटर मैं कभी नहीं खा 200 रुपया किलो भी टमाटर हो गया है। जो भी मिला है सुविधा वो भी महंगाई हो गई है। जब उन्हें गाय सास दे है तो जरूर है भाई अब गरीब मनाई कहाँ भराई पाई महंगाई करे हैं। नमस्कार साथियों मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। इस समय हम मौजूद हैं आप जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी आई हुई थी और लगातार यहाँ पे अभी हेलीकॉप्टर खड़ा है जैसे लोगों का कहना है कि यहाँ पे अभी सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। तो आइए यहाँ पे तब तक कुछ लोग हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है कि यहाँ पे आने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी जैसा कि देख रहे हैं गाड़ी उस तरफ जा रही है तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? राम नेहर पटेल अपना दलेस। राम नेहर पटेल अपना दलेस के आप पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। क्या लगते हैं क्या माहौल है आपकी बात प्रतापगढ़ में? ठीक है। किस मुद्दे पे वोटिंग होगी? कमल पे। नहीं नहीं मुद्दा क्या है, क्या आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? समस्या क्या है या क्या आपको अच्छा लग रहा है जो आप वोटिंग करने जा रहे हैं? क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा है। क्या अच्छा है? अपना दल। केवल इनका कहना है कि अपना दल अच्छा है बस। क्या नाम भैया? राजकुमार सरोज। राजकुमार सरोज क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में क्या होने जा रहा है? प्रतापगढ़ में बीजेपी आने वाली है। बीजेपी के कौन से अच्छे काम लगे आपको प्रतापगढ़ में? ये अच्छे काम लगे कि यहाँ किसानों के लिए अच्छा सुविधा मिल रहा है, 2000 मिल रहा है हर मतलब हर चौथे महीने पे उनको खेती करने के लिए मिल रहा है। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? पढ़ाई तो मैंने ज्यादा नहीं किया है, हाई स्कूल किया है बस। रोजगार के लिए क्या लगता है आपको? हम खुद अपने से कर रहे हैं, कोई रोजगार सरकारी हमारी तो है नहीं। अच्छा क्या नाम भैया? क्या नाम है? हाय भैया अपना क्या नाम भैया? प्रताप बहादुर। प्रताप बहादुर क्या लगता है आपकी प्रतापगढ़ में क्या होने जा रहा है? प्रतापगढ़ में बहुत चमत्कार होने वाला है। क्या चमत्कार हो जाएगा? 1.5 लाख वोट से ज्यादा संगम लाल जीतेंगे। क्या अच्छे काम लगे आपको प्रतापगढ़ में? अच्छे काम ये लगे कि रोड बढ़िया बन गई, बिजली हमेशा मिल रही है। पट्टी में कौन सी रोड बनी अच्छी आपको लगता है? पट्टी से हम लोग रानीगंज क्षेत्र से आते हैं। आप रानीगंज क्षेत्र के आते हैं तो मतलब एकदम सब बढ़िया काम हो रहा है? बहुत बहुत बढ़िया। रोजगार मिल रहा है? बढ़िया रोजगार के अवसर आ रहे हैं। का नाम है काकी? का नाम है आपका? हमारा संगीता पाल नाम है। संगीता पाल का लगा था आपकी बात प्रतापगढ़ में? लगा था गाय साढ़े से इतना सब परेशान है कि दो तीन बार पटक पटक हमका सब खुद ही मारे सर। साढ़ मारे सर का है? बताओ तो विकास होता है एकदम। हाँ विकास होता है, साढ़ मन तो कम से कम रोक लें कतो गौशाला और गौशाला छोड़ दें। कुल गेहूँ चावल 5 किलो दे देता है, अब 5 जने ही उनमें नून तेल सब्जी लागत है कि ना लागत है? नून तेल सब्जी तो पिछले चुनाव मिलता रहा जब 22 वाला चुनाव जी जी सब मिल रहा है। 5 किलो दाई के 50 किलो तो रोज चरा लेता है। और का दिक्कत लागत है आपका? दिक्कत का आप सोना चाहनी इतना हाई फाई होगी बा जगह 4-4 बिटिया है कहाँ बिया करे सब महंगाई ज्यादा होगी बेकर मतलब। सिलेंडर है ना जो राष्ट्रीय यहाँ फ्री में एक दाने 1200-1300 रुपये होगी 1 रुपये लौटत बा। 1 रुपये ना लौटत है? 1 रुपये लौटत बा गैस भरा 1200-1300 रुपये तो भरात बा। जगरे ना कमाए रहा जगरे एक कई बेटवा है नानक बा मन से दू पागल हो गए लोग कहाँ से गैस भरा है तू बतावा। जबकि बतावत अहाँ एकदम बढ़िया सिलेंडर मिल के धुआं से मुक्ति हो गई। धुआं से मुक्ति हो गई लेकिन वही जो 200-400 रहा अब 1200-1300 रुपये जब हमारे जुहा तब भराव ना कंडा ऊपर ही घेर हेर लग जाती है पास के बनवा ही। अच्छा का नाम है आपका? जड़ावती नाम। सांड और भाई इतना परेशान करता है ना कि रात के हाँ कह जाए दिन खा कह जाए मारत है बहुत। आप का समस्या लागत हमसे जवाने का जैसा की कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं और भी कुछ महिलाएं हैं आइए इधर जा रहे हैं बात करते हैं क्योंकि महिलाएं वैसे भी बहुत कम दिखाई देती हैं क्षेत्र में। का नाम है? आप लोग यहाँ अनुप्रिया पटेल जी की रैली में आए थे, क्या लगता है आपकी बात क्या होने जा रहा है प्रतापगढ़ में? या और जो भाषण हुआ है और सुनने में हमको भी लोग के अच्छा लगता है और जिसमें मुझको कमल के फूल में वोट देना है। महंगाई महंगाई नजर आ रही है? महंगाई तो नजर में आ रही है। कितनी महंगाई अभी एक चाची जी बता रही थी कि सिलेंडर विलेंडर बड़ा महंगा हो गया। हो भी गया है महंगा और 200 रुपया किलो क्या टमाटर मैं कभी नहीं खा 200 रुपये किलो भी टमाटर हो गया है। और रोसला में तो तहसील में पाए ना आज तक आप कॉलोनी नहीं पाए? हाँ बकरी हमारे गिर गिरा पाए ना प्रधान तेरा नहीं भरा है प्रधान तक देवे नहीं केस तो क्या जाने कॉलोनी आप काला कर जितना चीजें बताई आपको मिला है जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी मिला है सुविधा वो भी महंगाई हो गई है। सब महंगा हो गया है, महंगा हो गया है। बता रहे 5 किलो राशन मिल रहा है? अरे 5 बिटिया हैं तो 5 किलो बिया का लेबू नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे
कम से कम अपन जोता बो कितने करवा खेत है भाई अधिक ले है तो मैं 10-20 हजार लगा के लगा तो लगाए है साढ़ चार लेन तो 5 किलो में कितना खुश रही। मतलब समस्या है, समस्या बहुत है, समस्या पूरे पब्लिक की समस्या है। तो आप बता रहे हैं वोट देने जा रहे हैं तो मतलब समस्या होने के बाद भी आप वोटिंग करने जा रहे हैं? कॉलोनी पाल वो वोट तो वोटे है ना अभी, मतलब ये कह रहे वोट वोटे है मतलब कुछ चीज है। चाची का नाम हो? का नाम है? वहाँ से हम कलीना हूँ। का लागत है अब आप रैली में आए रहे अनुप्रिया जी आए रहे अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? लगता है अच्छा ही, अभी यही है की जो गाय सास दे है तो जरूर है, पर अब गरीब मनाई कहाँ भराई पाई महंगाई के रहे हैं। सिलेंडर ना भराई पाते हैं जैसे कि अभी एनपीए जिनका धुएं से मुक्ति हो गई है लोगों को? हाँ तो जो हुई तो कहला के अब गरीब मनाई कहाँ भराई पाई, गरीब मनाई कहाँ भराई पाई। मतलब कुल मिला के बता रही है कि महंगाई। का नाम भैया? रंजीत। रंजीत क्या लगता है क्या हो रहा है होने जा रहा है प्रतापगढ़ में? अरे अच्छा ही रहेगा। क्या अच्छा रहेगा मतलब किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी यहाँ पे? बड़े मुद्दे क्या लगते हैं आपको? अरे अब यही बिजली पानी रोड पानी सब अच्छा है और क्या। अरे अनुप्रिया जी ने अभी आई थी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपना दल की, उन्होंने बहुत सारा बताया कि विकास हो गया काफी सारी चीज। आप भी रैली में थे तो क्या लगता है कि जैसे अभी कुछ महिलाएं बता रही थी महंगाई बहुत, सिलेंडर नहीं भरा? महंगाई तो है ही है लेकिन उतना इनकम भी है, इनकम बढ़ गई है और क्या, इनकम बढ़ गई है। चलिए साथियों और कुछ लोग हैं बात करते हैं, ये लोग बोलने से कतरा रहे हैं। जैसा कि साथियों आप सभी ने देखा हमने यहाँ रैली में आए हुए लोगों से बात करने का प्रयास किया और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन लोग बोलने से कतरा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी अनुप्रिया जी जिस हेलीकॉप्टर से आई थी अभी भी वह यहीं पर खड़ा है और वो यहां से अपने सांसद जी के साथ किसी निजी साधन से यहां निकली हैं जबकि यहां पर पुलिस स्क्वाड आई थी उसके साथ निकल गई हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि अभी यहां पर सिग्नल नहीं मिल पा रहा था जिस कारण से यह हेलीकॉप्टर अभी भी यहां खड़ा है। तो साथियों अभी समय ही बताएगा कितनी देर में इनको सिग्नल मिलता है और कितनी देर में जाते हैं। जैसा कि हमने ऑफ कैमरा भी यहाँ के लोगों से काफ़ी सारी बात करने का प्रयास किया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कैमरे पे बोलने से कतराते नजर आए लेकिन साथियों जो भी यहाँ की हकीकत थी लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया और आपको दिखाया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। धन्यवाद साथियों।